हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मुझे मालूम है मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ। मैं भी ठीक हूँ, बट वो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट आज का जो हमारा हेलो बोल दो आप भी, पूछो कैसे हो। तो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ है और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। आज का जो हमारा है वो एडवेंचर्स है बहुत ज़्यादा। तो अभी हमारा टूर स्टार्ट हो रहा है गाड़ी से, तो आज का जो एक्सपीरियंस है ना वो ऑलमोस्ट मेरे लिए भी कहीं ना कहीं बहुत नया है और निष्ठा के लिए तो बिल्कुल ही नया है। आई विश आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। बीच में मैंने इसलिए भी नहीं बनाया था क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं कुछ दिन का गैप लेने के बाद नॉर्मली अपना डेली व्लॉग दूं, क्योंकि वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है, तो बनी रहिएगा। गाइज, अभी प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया हमारा, हम थोड़े से लेट हो गए हैं, तो इस वजह से जो बीच में हमें बस में जाना था, बस में मैं भी बहुत टाइम बाद सफ़र कर रही थी और निष्ठा ने तो आज तक निष्ठा ने बस में कभी निष्ठा तो बस में चढ़ी नहीं आज तक कभी। इस बार भी पोस्टपोन हो गया। नहीं, एक बार ही गई थी निष्ठा, बहुत छोटी थी, वो भी सिर्फ तिलक नगर से मित्राऊ तक सिर्फ। तो ये वाला उसका लंबा सफ़र था, लेकिन ये भी अभी स्किप हो गया, तो बाद में पता नहीं हम निष्ठा कब जाएगी दोबारा। तो नितिश, आपको कैसा लग रहा है हमें ऐसे अकेले भेज के कहीं पर? एक्साइटेड हो या नहीं? नहीं, डर लग रहा है? नर्वस हो? मैं नर्वस नहीं हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा, पर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं आज पहली बार अकेली जाऊँगी कहीं पर। मैं कभी पार्लर भी अकेली नहीं गई हूँ। हाँ, ऑफिस जाती थी सिर्फ अकेली, जॉब जब करती थी, लेकिन दिल्ली से बाहर आज मैं पहली बार अकेली जाऊंगी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो गाइस, यहाँ पे अभी फुल ऑन मस्ती और ड्रामा चल रहा है। निष्ठा की वॉकिंग की बजाय निष्ठा को झूला दिया जा रहा है, तो आई थिंक ये तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है। और होश में पहली बार उसने रेलवे स्टेशन देखा है, तो उसके लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ही। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं और अभी ट्रेन का वेट होगा। यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है। अभी ट्रेन में बैठ चुके हैं हम और ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। एसी को बुक किया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। अभी नई दिल्ली में हैं हम। बाय बाय दिल्ली। तो गाइस, अभी पता नहीं कैसे जाएगा पूरा सफ़र, आई होप बहुत अच्छा जाए। सामान नितिश ने निष्ठा के खाने पीने के लिए दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी दूर जा रहे हैं हम। और यहाँ पर अभी मैडम ने खाना स्टार्ट कर दिया है, पापा की आज्ञाकारी बेटी। आई थिंक इसको बहुत मज़ा आ रहा है, इसकी सीट अलग से कर रखी थी मैंने, ये वहाँ पर बैठी है जहाँ पे ट्रेन में रख के चीज़ें खाती पीती नहीं है, वहाँ पर बैठी है, इसको आराम से बिठा दे, कंफर्टेबल बैठी है और पूरा मज़ा ले रही है सफ़र का। ये फर्स्ट टाइम इतने क्राउड में बैठी है, मतलब इसके लिए बिल्कुल ही अलग सी चीज़ है ये, कि इसको समझ ही नहीं आ रहा लोग कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आई थिंक ये वीडियो को भी देखेगी तो इसको बहुत अच्छा लगेगा। निष्ठा का खाना ख़त्म हो गया, अब मेरी बारी है। तो गाइस, हम लोग ऑलमोस्ट घर से ही लेकर आए हैं, बाहर से लेना प्रेफर नहीं किया हमने। जो निष्ठा के भी स्नैक्स वगैरह थे वो भी सब सैनिटाइज कर दिए। तो
फाइनली गाइस हम लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और सहारनपुर आ चुका है। ट्रिप जो था बहुत अच्छा निकला है, बहुत मज़ा आया, एक्साइटमेंट से पूरा भरा हुआ था। निष्ठा ने बिल्कुल परेशान नहीं किया और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि कहीं निष्ठा मुझे परेशान ना करे, लेकिन निष्ठा ने पूरा साथ दिया। निष्ठा ने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। ये रहा सहारनपुर का स्टेशन। अभी बाइक का सफ़र स्टार्ट हो चुका है। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी मैं कुछ दिन यहीं पे रहने वाली हूँ। मौसम अच्छा हो रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होएगी।